सत श्री अकाल, मैं जसविंदर पाल चैन शान पंजाबी तुहाडा स्वागत है। तो हुण गल करदे आं आपां चंडीगढ़ रेलवे स्टेशन की, जिते कि चंडीगढ़ महिला कांग्रेस ने अपना मोर्चा ला दिता है। मोर्चे विच चंडीगढ़ महिला कांग्रेस प्रधान दीपा दुबे ने तो सीधे रूप में मोदी सरकार से हमले बोले ने। उन्होंने कहा कि जिस रेलवे आम लोग अपनी बचत का कारण तो वधिया सिस्टम मानते सन, तो हुण लुट खसुट का केंद्र बन चुके। उन्होंने सीधा हमला चंडीगढ़ रेलवे स्टेशन की पार्किंग स्थल ने दस्या, जिथे उन्होंने सिस्टम पिक एंड ड्रॉप की जिहड़ी सिस्टम है उसते भी हमले किए। दीपा दुबे ने सीधा ही मुकाबले विच कहा कि जिहड़ा कि यह सिस्टम है ये आम लोगों को सहन दे योग नहीं है। दीपा दुबे ने यह भी दावा किया कि कांग्रेस पूरी तरह इस दे विरुद्ध प्रोटेस्ट शुरू कर चुकी है, तो हुण महिला कांग्रेस भी इस प्रोटेस्ट ते अपना पैरा देवेगी। तो जिहड़ी पेड पार्किंग है जां इस सिस्टम पार्किंग दा इत्थे लागू किया गया, लोगों की लुट ते खसुट दा कारण बनिया होया, उन्हां दी जेब नूं लुट्टण दा धंधा बनिया होया। तो चंडीगढ़ कांग्रेस है जिहड़ी महिला कांग्रेस है वो इस नूं सहन नहीं करेगी। तो उन्होंने मंग करदे मोदी सरकार नूं घेरदे हुए कहा कि इस नूं इस सिस्टम नूं रद्द किया जाए, वरना एक तिखा संघर्ष लई उह तैयार बैठे ने। तो उन्होंने सीधा ही हमला किया कि मोदी सरकार हुण लुट खसुट लई एक केंद्र बनती जा रही है, जिसनों कदे भी सहन नहीं करेगी। ना ही कांग्रेस हुण सहन वाली पोजिशन च है, बल्कि वह जन अंदोलन शुरू करने की तैयारी है। दीपा दुबे का यह भी दावा सी कि आने वाला समा हुण मोदी सरकार लिए अच्छा नहीं, क्योंकि लुट खसुट की जिहड़ी नीयत है उसका विरोध महिला कांग्रेस चंडीगढ़ में शुरू कर चुकी है। आप सब साथी जानते हैं कि अखबार के माध्यम से आपको पता चला होगा कि किस तरीके से बीजेपी सरकार ने चंडीगढ़ में रोज का धंधा बना लिया है लूट खसूट करने का, और आज इसका उदाहरण है चंडीगढ़ का रेलवे स्टेशन। किस तरीके से पिक एंड ड्रॉप की पॉलिसी इन्होंने बनाई और 6 मिनट तक उसको फ्री रखा, अगले 15 मिनट 50 रुपए और 15 मिनट के बाद 200 रुपये। मतलब ये चाहते हैं कि व्यक्ति, एक जो आम व्यक्ति जन है, वो एक रेलवे का ही यातायात का साधन अपना सुनिश्चित करता है, जो उसमें थोड़ा खर्च कम है। लेकिन नहीं, जो व्यक्ति 25 रुपए में अम्बाला पहुंच जाएगा चंडीगढ़ से, वो पहले तो 150 रुपया अपने घर से लेगा ऑटो के लिए, उसके बाद फिर इनकी पूजा करेगा चंडीगढ़ रेलवे स्टेशन वालों की पिक एंड ड्रॉप के लिए 50 रुपये। 6 मिनट का समय, मैं बीजेपी सरकार से पूछना चाहती हूँ, जब तुम्हारी ट्रेनें 2-2 घंटे 6-6 घंटे लेट होती है, क्या तुम व्यक्तियों को मुआवजा देते हो? किसी बच्चे ने पेपर देने जाना है, किसी बच्चे ने इंटरव्यू देने जाना है, तब तो कोई मुआवजा नहीं होता। लेकिन आज किस चीज का आप हम लोगों से कर वसूल कर रहे हैं? सरासर धांधली है। उसके अगेंस्ट यूथ कांग्रेस 3 दिन से इस धरना प्रदर्शन पे लगा हुआ है, और आज मेन कांग्रेस भी उसके साथ, सारे फ्रंटियर उसके साथ, महिला कांग्रेस सब उनके साथ साथ देने के लिए खड़े हुए हैं। ये हर जन की पुकार है कि चंडीगढ़ में किस तरीके से बीजेपी शासित प्रदेश में किस तरीके से यहाँ लूट हो रही है। अब बात करना चाहूंगी, आप देख रहे होंगे किस तरीके से महिलाएं, बच्चिये, बुजुर्ग अपने अपने बैग उठा के 1.5 किलोमीटर तक चल रहे हैं। कहाँ की चीज है, क्यों बीजेपी सरकार चुप बैठी है? और सबसे बड़ी बात करना चाहूंगी हमारी सांसद के लिए, जिसको इलेक्शनों में तो चंडीगढ़ याद आता है, लेकिन अदरवाइज उसको या तो कोई बीमारी हो जाती है, या फिर उसका कोई तबीयत खराब हो जाती है, या फिर वो अपने प्रोग्रामों में चली जाती है। तो आप ये बातें सुनिए, समझिए कि क्या एक महिला होने के नाते, एक महिला के साथ किस तरीके का व्यवहार चंडीगढ़ की रेलवे स्टेशन पे हो रहा है। एक महिला आती है अपने बच्चे को गोद में उठा के और सफर करने के लिए जा रही है, उसके पास 2 बैग है। अब मुझे बताइए कि वो बच्चा उठाएगी, 2 बैग उठाएगी, कहाँ तक ये करेंगे आप? सरकार कहती है बीजेपी की कि हम तो महिलाओं का सत्कार करते हैं, ये सत्कार जो है वो साक्षात आप देख लीजिए किस तरीके से ढो रही है महिलाएं अपने सिर के ऊपर बच्चे को गोद में उठाया हुआ है, और किस तरीके से महिलाएं सिर के ऊपर अपने अपने बैग रख के रेलवे स्टेशन की तरफ कूच कर रही हैं। मैं यही सरकार से कहना चाहती हूँ, हमारी मेयर महिला है, महिलाओं के लिए आवाज क्यों नहीं उठाते? क्या बीजेपी सरकार ने ये लिख के दिया कि यहाँ पे ये पिक एंड ड्रॉप पॉलिसी जो है ये बिल्कुल गलत है, निःशुल्क होनी चाहिए? क्यों होनी चाहिए ये आप सबको पता है। आप मोदी जी कहते हो शौचालय फ्री होने चाहिए, शौचालयों को छोड़ो मोदी जी, जो आज की जरूरत बनी हुई है महिलाओं, बुजुर्गों, बच्चों के लिए, युवा के लिए, आप उन चीजों को तो पूरा कर लीजिए। आप तो स्मार्ट सिटी का सपना देने वाले थे, मिस
मिसेस खेर हमें स्मार्ट सिटी का सपना दिखा रही थी, वो सपना ये होगा? इससे अच्छा तो हमारा पुराना ही चंडीगढ़ बढ़िया था, जब हर तरीके की सुविधा तो हमें उपलब्ध होती थी, दरवाजे तक हमें ऑटो या कोई टैक्सी हमें छोड़ती थी। आज ऑटो वाले का किराया है 150 रुपया घर से, यहाँ आके 50 रुपए की वो पर्ची कटाई। आप मुझे बताइए कि ये जो इतना कुछ हम लोगों के सिर के ऊपर, आम जन के ऊपर, पॉकेट के ऊपर असर पड़ रहा है, ये कब तक हम लोग ये सहते रहेंगे? उसी की आवाज उठा के हमारा यूथ कांग्रेस सड़क के ऊपर है, धरना प्रदर्शन कर रहा है। आज मेन कांग्रेस भी उसके साथ है, आज कांग्रेस का हर फ्रंटियर इस चीज के साथ है, क्योंकि ये जनता की आवाज के लिए हम खड़े हुए हैं। जनता इतनी दुखी हो चुकी है महंगाई की दर से कि अब ये भी रह गया था। कोविड के बाद का हालत क्या है? लेकिन आप लोग, ये बीजेपी सरकार तो सोचने को तैयार तक नहीं है। अब बताइए मुझे किस तरीके से लोगों का यहाँ जमघट खड़ा हुआ है, लोग पैदल ही जा रहे हैं। अब बताओ ये स्मार्ट सिटी का सपना है, किस चीज का सपना है? ये देखिए बुजुर्ग अंकल अपना बैग उठा के आ रहे हैं, महिलाएं बेचारी अपनी पहले तो सफर से थकी हुई है, अब पैदल चल रही है 1.5 किलोमीटर अपने घर तक पहुंचने के लिए। शर्म आती है ये कहते हुए मोदी जी, आंखें बंद करके क्यों बैठे हो? महिलाओं की बातें क्यों नहीं सुनते? क्यों उनके नाम पे ऊपर आप वोट लेना चाहते हो, लेकिन उसके अलावा आपको कुछ नहीं दिखता? बेटी बचाओ की बातें करते हो, बेटियां सड़क के ऊपर अपने बैग उठा उठा के भाग रही हैं, कहां क्यों आंखें बंद करके बैठे हो? पैसा कमा रहे कहीं और से कमा लीजिए भाई साहब, क्या हम लोगों की गरीबों की जेबें ही आपको दिखती है? ये किस लिए हो रहा है? और मैं सांसद को भी शरेआम कहना चाहूंगी कि मैडम घर से बाहर निकलो, इलेक्शन में आपकी जरूरत नहीं है, तब आप रजाई लेके सो जाना। आज जनता को, चंडीगढ़ की जनता को, किरण खेर जी आपकी जरूरत है, क्यों मुद्दा नहीं उठाते हो? हम लोगों को विपक्ष में होके सड़कों के ऊपर क्यों आना पड़ता है? मैं उनको भी कहना चाहूंगी कि मैडम आप भी कुछ बोलिए महिलाओं के लिए, महिला है। कमिश्नर पर भी कहना चाहूंगी मैडम इसके लिए आप भी अपने व्यूज दे सकते हैं, आप भी लिख के पत्र लिखिए कि ये जो है गनगौर काम हो रहा है, ये नहीं होना चाहिए। लेकिन अगर मैं प्रशासन को कहना चाहूंगी, अगर ये कार्य नहीं रुकता, ये चीजें आप वापिस नहीं लेते रेट, तो धरना प्रदर्शन जो है आने वाले दिनों में और सक्रिय होगा, सक्रिय होगा, क्योंकि 3 दिन से तो आपने किसी की बात सुनी नहीं है। और ये हम लोग डटे हुए हैं क्योंकि हमें पता है कि जनता के साथ जनता की आवाज किस तरीके से बनना है। हम कोई वो बरसाती मेंढक नहीं है कि इलेक्शन आए और वहां निकल आए, तब जनता के पास गए, उनको प्रलोभन दिए, आपको घर देंगे, आपको ये देंगे, आपको वो देंगे, लेकिन उसके बाद तो हम किसी को पहचानते नहीं हो। असलियत में आपने जो दिया है वो आज यहाँ जमीन के ऊपर हमें पता चल रहा है कि चंडीगढ़ का रेलवे स्टेशन जो है वो किस तरीके से VIP रेलवे स्टेशन बन गया है। VIP लोग ही आ सकते हैं क्योंकि उनकी तो शायद पार्किंग भी ना लगती है, क्योंकि वो तो हर जगह एग्जम्प्ट है, लेकिन एक गरीब बंदे के लिए आज रेलवे भी बहुत महंगी हो गई है। उसके किराए से ज्यादा हमारे चंडीगढ़ की पार्किंग की समस्या जो है, पार्किंग के पैसों की समस्या जो है, पिक एंड ड्रॉप की जो पैसों की फीस है, वो इतनी महंगी हो गई है कि शायद मेरी जाने के सफर की टिकट कम हो। तो मैं यही कहना चाहूंगी कि ये हमारा कंटिन्यू रहेगा प्रोसेस जो यूथ कांग्रेस ने शुरू किया है, और महिला कांग्रेस भी इसके साथ शामिल होकर आने वाले दिनों में आपको यहाँ पे भारी भरकम संख्या में प्रदर्शन करती नजर आएगी। जन भी हमारे साथ जुड़ सकता है, जिसको लगता है कि हाँ उसकी पॉकेट के ऊपर असर पड़ रहा है, महिलाएं हों, बुजुर्ग हों, बच्चे हों, यूथ हो, लड़कियां हों, कोई भी बच्चा है चंडीगढ़ का, वो हमारे साथ जुड़े। हमारा धरना यहाँ पे ही कंटिन्यू रहेगा ताकि हम इन लोगों के ऊपर जो जो गुंडागर्दी, ये जो जबरदस्ती हम लोगों से पैसे वसूले जा रहे हैं, उसके ऊपर अंकुश कर सकें। धन्यवाद।